खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी आपने, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन सेब यानी एप्पल ने कश्मीर में कैसे आतंक की घंटी बजा दी है, देख लीजिए। ये सेबों के जले हुए बाग हैं। तस्वीर कश्मीर की है, करीब महीने भर पहले की। तो सेब कैसे जले हुए बागों से ये लाल लाल और रसीले सेब, वो भी इतनी बड़ी तादाद में आखिर कैसे निकले, तो जानिए। ये उन व्यापारियों के हौसले और साहस का फल है जो आतंक के आगे झुके नहीं, जिन्होंने कश्मीर में आतंक की घंटी अपने सेब की फसल से बजा दी है। आतंकियों की धमकियों को दरकिनार कर कश्मीर के सेब का स्वाद देश विदेश में पहुंचाने के लिए कश्मीर के व्यापारियों ने भी आतंकियों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हम इस समय जम्मू की नरवाल मंडी में हैं और यहां पर कश्मीर से रोजाना करीब 150 से 200 ट्रक फल आ रहा है, जिसमें मुख्यतः सेब है। आर्टिकल 370 से आजादी के बाद से कश्मीर के सेब उत्पादक और व्यापारियों को आतंकियों ने दावा है निशाना बनाना शुरू कर दिया। सेब के बागीचों और सेब से भरे ट्रकों को कई जगहों पर दावा है जलाया गया, ताकि कश्मीर में 7 लाख परिवारों को पालने वाले 10,000 करोड़ के सालाना सेब कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आतंक के सामने कश्मीर के सेब उत्पादक और व्यापारी डिगे नहीं। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 से आजादी के बाद से सेब के अब तक 11,000 ट्रक कश्मीर से बाहर भेजे जा चुके हैं। सिर्फ 5 अगस्त को ही सेब के 75 ट्रक कश्मीर से रवाना हुए। अगस्त में कुल 3,360 ट्रक तो सितंबर में 6,506 ट्रक सेब देश भर में कश्मीर से भेजे गए। 22 सितंबर को सबसे ज्यादा 708 ट्रक जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे गए। इसकी गवाही जम्मू की नरवाल मंडी में लदी कश्मीरी सेबों की एक खेप देती है। त्योहार के सीजन में कश्मीरी सेब की एक पेटी 100 से 150 रुपए महंगी बिक रही है, बावजूद इसके मांग कम नहीं हुई। कश्मीर का सेब अच्छा है, बढ़िया मीठा सेब होता है, इसलिए ज्यादा मांग है वहाँ पर सेब की। व्यापारियों का दावा है कि बारिश के बाद कश्मीरी सेब का रंग और खिलेगा और इस साल बम्पर फसल होने की वजह से कारोबार और बढ़ेगा।